बादल है, तो अपने को दिखाएंगे। यहाँ चार चार्ज है, क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू, सब मिलकर किस पे फोर्स लगा रहा है, क्यू नॉट। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव 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 को सब क्यू नॉट को रिपेल करेगा। जैसे ये वाला क्यू क्यू नॉट को इधर धक्का देगा, ठीक है, इस तरह फोर्स का नाम हो गया F1। इतना आपको F1 तो बता सकते हैं, F1 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेगा ये भैया F1 का फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा k। लेकिन लिखने का तरीका असल होता है 1/4। हम लोग तो आलस से थोड़ा अपना लिखने से बचे, इसलिए कॉन्स्टेंट, तो कोई भी कॉन्स्टेंट को जो लिख के लिखा देते हैं, इसलिए k लिखा है। Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, Q into Q by दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर आप मुझे कोई बता सकता है? अगर इसका नाम आप A देते, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D, तो A से लेके O तक की दूरी कितनी है? A से लेके O तक की, आप बिल्कुल कही आगे भैया, जब ये A है और ये A है, ये A और ये A, ये पूरा पाइथागोरस से हो जाएगा √2a, और उसका भी आधा करने बोल रहा है, मतलब ये दूरी है a डिवाइड बाय √2। ये डिवाइड बाय कितना है? √2, मतलब a बाय √2 का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई नया कांसेप्ट नहीं लगाया है, k q1 q2 देख लीजिए, इसमें कोई नया कांसेप्ट नहीं है, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कुछ नया नहीं। जो टू क्यू लगा रहा है, जो C पर का चार्ज है इस पे लगा रहा है इधर की ओर तक का, क्या होगा इसको का वैल्यू k 3q into q by ये दूरी भी a by root 2 ही होगा क्योंकि सबका आधा दूरी है, तो ये हो जाएगा root 2 का स्क्वायर 2 ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई 6 a2 स्क्वायर by a स्क्वायर। जैसे आपने f1 लिखा है f2 लिखा, उसी तरह से अगर 2q पे फोन लगा तो ये इधर ही फेल करेगा, करेगा इस फोर्स का नाम F3। क्या आपको पता है F3 का वैल्यू हम कितना लिखेंगे? F3 का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे K Q के जरा पे इस बार कितना Q है? 2Q into में ये वाला Q। अब ये तो बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं K q1 q2 by r² आपने से कहीं लोगों को बना के भेज रहा तो ये था A/√2 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4 k q² by a² F1 F2 दोनों अपोजिट
देखो हम क्या करते हैं, पहले जो है ना हम कंटेंट ऑफ बड़े वेक्टर से छोटे को घटाया, F2 माइनस F1, F2 का वैल्यू कितना है ना देखो, F2 का वैल्यू 6 kg स्क्वायर माइनस स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर घटाकर कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 kg स्क्वायर / a स्क्वायर, इसका नाम हम दे दिए F1 डैश। उसी तरह से अब हम बोल रहे हैं आपको रिजल्टेंट ऑफ F3 एंड F4, इसका नाम दे रहे हैं F2 dash, इसका वैल्यू कितना होगा भाई, F2 dash का वैल्यू F3 और F4, इसमें आप करोगे F4 minus F3, देखो तो F4 से F3 घटाओ, अपोजिट डायरेक्शन में है ना भाई, जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड लिखने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में घटाए थे, F4 में 8 है F3 में 4 है, 8 में से 4 घटाओ बाकी चीज तो सेम है ना, बचेगा ये भी कितना 4 a² / देखो तो अब आप खुद समझो F1 और F2 का नेट आया तो नीचे क्यों क्यों बने था, क्योंकि ये F1 डैश कर रहे हैं F2 बाद F1 से, F3 F4 में F4 बाद A इधर बचा, इसका नाम हो गया F2 डैश। देखिए साफ साफ आप गौर से देखिए F1 डैश जितना है, F1 डैश जितना है उतना ही कौन सा डैश है, F2 डैश, दोनों का वैल्यू सेम है 4 a³² / a² इसका प्यारा नाम रख दिए, क्या नाम रख दिए इसका हम लोग F0, ये समझ में आया, ये 4 से 2 में कैसे कन्वर्ट हो गया, 4 से 2 में कैसे कन्वर्ट हो गया समझ में आया, क्योंकि इन दोनों के बदले बन गया F1 डैश, इन दोनों के बदले F2 डैश, और ये चूंकि एक स्क्वायर है इसके बीच का एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री, यहाँ तक आप अगर लिख लिए हो या डायग्राम हम बता सकते हैं, क्योंकि लास्ट लाइन लिखना बाकी है भैया, F1 F2 का रिजल्टेंट F2 F4 का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, लेकिन हम सुविधा के लिए अपने आसानी के लिए बार बार क्यूब नोट लिखना पड़ता, उससे अच्छा क्यूब स्क्वायर हो जाएगा इसलिए हम क्यूब कर दिए बीच वाले को, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब ऐसा कुछ हुआ, इधर आपका F1 डैश हो गया और इधर हो गया F2 डैश जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, therefore F4 का फॉर्मूला आप दोनों सेम है, दोनों वेक्टर सेम है, फॉर्मूला होता है रूट अंडर F1 डैश का स्क्वायर प्लस F2 डैश का स्क्वायर प्लस, बताओ हम डायरेक्ट जीरो क्यों लिख दिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है वेक्टर को जोड़ने का, ये दोनों सेम डायरेक्शन में थोड़ी इधर से जोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अब ये इतना बार बता दिए कि जब भी 90 है तो cos 90 जीरो हो जाता है, यहां पे आपका ये f नॉट स्क्वायर प्लस f नॉट स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 2f नॉट स्क्वायर, ये जो मेरा रूट अंडर 2f नॉट का f नॉट का मतलब जाएगा रूट अंडर 2 4 k q स्क्वायर / a स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा 4 रूट 2 k q स्क्वायर / a स्क्वायर, कितना कितना आसान है ये, रिजल्टेंट जो बीच के जाएगा बताओ, तो दोनों का वैल्यू सेम है, अब इसमें तो वेक्टर तो यूज कर रहे हैं, बोले थे कि 11th कई बच्चे लॉकडाउन ऑर्डर को नहीं पढ़े थे, कहीं भी नहीं पढ़े थे या ढंग से नहीं पढ़े थे, उनको तुरंत में दिक्कत होता है, उसको अब कैसे दिक्कत दूर होगा, मेहनत कीजिए, हमसे पूछिए बार बार, आपको हेल्प करने को तैयार है, संडे संडे बैच हम बनाए उसमें न्यूमेरिकल तो हाई लेवल का होगा, उसमें आप उनसे उम्मीद मत कीजिए कि बहुत बच्चे ऐसे जाएंगे, वही लोग ज्वाइन करके मेहनत करने को तैयार है।
इधर के लिए हम जिम्मेदार है, बोर्ड में जिम्मेदारी है, इसमें भी हम क्वान्टिटी बताएंगे, पहले बता दे रहे हैं, लेकिन उसमें तो ज्यादा करेंगे, सिर्फ कोई वही थ्योरी होगा जो तो हाई लेवल का। मेडिकल में दोनों भी साथ में रखे हैं, अगर आपने इम्प्रूवमेंट दिखा तो मेडिकल को अलग और मेंस को अलग करेंगे, नहीं बचे जो भी होंगे। टारगेट वर्ड इसलिए हम चाहते हैं कि आपने तो कुछ लोग अगले साल एटलीस्ट फिजिक्स में अच्छा प्रदर्शन करें मेंस या मेडिकल किसी को। चलिए हो गया हो, क्या आप फिर से फोटो चाहिए, बात हो तो बोले, अदरवाइज हम आगे बढ़ने वाले। तरह बनाएगा तो गलत नहीं होगा विशाल, मेहनत ज्यादा हो जाएगा, सब सोचते नहीं, मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगा, बना के दीजिए प्रकृति। अब आवाज ठीक आ रहा है प्रकृति, अब आवाज ठीक आ रहा है, बोलो बोलो, वॉइस क्लियर नहीं है प्रकृति, अब आवाज ठीक आ रहा है या नहीं बताएंगे, समझेंगे। F1 को F0 कैसे लिख दिए, F1 को नहीं F1 डैश को हम ऐसे लिख दिए क्योंकि F1 डैश और F2 डैश दोनों वैल्यू सेम था, F1 डैश सॉरी F1 डैश F2 डैश दोनों सेम था, इसलिए इसका नाम F0 दे दिए, ठीक है। और प्रकृति ये तुमको समझ में आया, प्रकृति तुम बहुत कंफ्यूजन में थी, रात रात में सब मैसेज करता टेंशन में, देख लो भाई प्रकृति हमको अभी बताओ अभी तुमको समझ में आया कि नहीं, अभी कभी याद अच्छे से आ रहा है ना, धीरे धीरे समझ आएगा भैया, सेंटर में क्यू नॉट को क्यू मानेंगे तो आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, अरे अरे यहाँ तुम क्यू नॉट मान लेता सेंटर में तो क्यू क्यू नॉट होता है, आंसर में क्यू क्यू नॉट हो जाता, क्यू स्क्वायर नहीं होता, क्यू क्यू नॉट हो जाता, क्या फर्क पड़ता है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सब ठीक रहेगा, रोड लेना है। चलिए अब हम जो अगला सवाल दिखाने वाले हैं थोड़ा अलग, ये आपके एक्सेल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, अच्छी बात है अगर आपको दिक्कत महसूस हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है फिजिक्स में, मेहनत या किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब आप पढ़ाई कर रहे तब दिक्कत आ रहा है, और अच्छी बात है कि आप सीख रहे हैं, आप में वो है गुस्सा, एकदम नहीं समझ में आ रहा है हमसे बात कीजिए, लेकिन हल्का पूरा कष्ट के बाद समझ में आ जा रहा है थोड़ा बहुत पीछे, तो आप अच्छे हैं, अब भी बता पढ़िए नहीं रहा है, पेंडेमिक पेंडेमिक बोल के नाच रहा है। आज का अंतिम सवाल था क्योंकि ये टाइम लेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, इम्पोर्टेंट अगर आप सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम नहीं बताए हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन इसे यूज करेंगे, पर चला कि 11th में कई बच्चे हमसे ये आते हैं ऊपर ही नहीं है, तो दिक्कत दे दे रहा क्वेश्चन है, एचसीएल का ये क्वेश्चन है, एचसीएल का क्वेश्चन नंबर 25, टू आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स या पिट बॉल्स भी कहते हैं इसको, कौशल ने हाथ उठाया, हाँ कौशल मोबाइल पीछे हम देख रहे हैं भैया, वॉयस अच्छे से नहीं आ रहा है, तुम लोग कुछ सुनाओ क्या चल रहा है, हमारा तो वॉइस ही नहीं आ रहा अच्छे से, तुम लोग बताओ जीवन में कैसा दुख तकलीफ है, सब ठीक से है ना, थोड़ा कम आ रहा है, ओके हम रुक तो गए कौशल, बिल्कुल रुक गए, तुम बोला रहा मुझे, ओके अब वॉइस आएगा अच्छे से, देखिए मैं भी हो सकता है मेरे ईयरफोन हम दे सकते हैं, यहाँ पे माइक का प्रॉब्लम हो गया है, खर्चा करके लगता है देना पड़ेगा कुछ कुछ, भैया आपका आवाज क्रैक कर जा रहा है, ऐसे कैसे क्रैक कर रहा है, आईटी है तो क्रैक करेगा, अरे सब सही है, कनक ने मेरा सपोर्ट किया, ठीक तो है भैया, मेगा ने सपोर्ट किया, अरे आप लोग का नेटवर्क गड़बड़ होगा रे पगला सब, हम तो कितना बढ़िया से बैठे, तुम लोग को समझ में आता है जुगाड़ देखोगे मेरा, देखो जुगाड़ फोटो देखो, तुम लोग जुगाड़ कितना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, अरे तुम लोग को लगता है भैया ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, जुगाड़ लगा मनी भैया कुछ नहीं करते हैं, सब जुगाड़ हम उनका भी क्लास के सेटअप हम करके देते हैं, आगे से देखो जुगाड़ है, तुम लोग को जुगाड़ दिखाते हैं, कौन ग्रुप है तुम लोग का, PHY, हम सुना है अरिजीत मोहंती, मेरा सब ठीक चलता है मोहंती, बस दुखी है बहुत लोग मर रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी सब ठीक है,
वीडियो रिकॉर्ड को पॉज कर दे यार, नहीं तो ऑनलाइन कोई देखेगा, वो तो सबके लिए फ्री है, तो कोई देखेगा तो बोलेगा कैसा पगला मास्टर है, क्या करता है। अगला सवाल है ये एचसीएल वाला क्वेश्चन नंबर 25। टू आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ एल। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल इफ द एंगल, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज टू थीटा इन इक्विलिब्रियम। Find the mass of each ball if the angle between the strings is 2 theta in equilibrium. Is 2 theta in equilibrium. क्या नहीं सुनाए हम, लुट गए सुनाएंगे मोहन के साथ, लुट गए। हाँ भैया बोलो, क्लास ले रहे हैं तो क्लास के बाद ले ले। ओके ओके तो अभी दे दे, आओ ऊपर। ठीक है रुकिए, मनी भैया हम कुछ काम बोले हैं तो आप सुनो 2 मिनट के लिए, गाना सुनिए। ठीक है, 11th क्लास की बात कर रहे हैं कि छत से एक धागा लटका दिए है, एक पत्थर यहाँ लगा हुआ है, तो इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है 11th क्लास, और उस पत्थर के वेट की वजह से धागा एक तनाव महसूस करता है, उसको आप टेंशन कहते हैं। टेंशन अपवर्ड लगता है, दिख रहा है ना, अबे अपवर्ड, इस पे भी टेंशन लगा, यहाँ पे भी, तो इस पे डाउनवर्ड ऐसे लगता है, लेकिन इसके लिए टेंशन अपवर्ड, टी अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगता है। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, याद है ना। अगर मान लो यही छत वाला सिस्टम रहा और अभी आपका पत्थर कुछ ऐसे आ गया, यहाँ पे घूमते घूमते कुछ एंगल, कितना एंगल पे आ गया, थीटा, एक बात कर रहे समझाने के लिए, तो इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड लगाना है। वेट हमेशा डाउनवर्ड, मेरा हाथों का तिरछा हो गया, वेट हमेशा डाउनवर्ड, वेट हमेशा डाउनवर्ड, देख रहे हैं डाउनवर्ड है वेट, लेकिन टेंशन आपको धाई की ओर ले जाएगी, रहा आपका टेंशन टी। अच्छा, कंपोनेंट कभी कभी तोड़ने बोलता है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमें सीधा लाइन खींचे, दिख रहा है सीधा लाइन, इस बार अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो टी का कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे। कंपोनेंट तोड़ना हम बहुत बार सिखा दिए हैं, ये टी है ये थीटा है, जिधर थीटा हो उधर टी के साथ कॉस थीटा लगा दो और ठीक परपेंडिकुलर टी के साथ साइन थीटा लगा दो, जिधर थीटा उधर कॉस उठता है, दिख रहा है ना। जैसे अभी ये अगर रुका हुआ था तो कौन फोर्स किसको बैलेंस कर रहा था, तो यहाँ दो फोर्स था, ऊपर टी नीचे एमजी, टी बैलेंस कर रहा था एमजी को, यहाँ पे टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है किसको, एमजी को, अगर ये रुका हुआ रहता तो इसको भी बैलेंस करने के लिए फोर्स होता। तो ये 11th के बारे में हल्का सा हम टेंशन के बारे में बताया, अभी क्या सवाल लिखवाए उस सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए जो आपको लिखवा है, आज का अंतिम सवाल है, ये समझ में आ गया, ध्यान सीखिएगा, ये सवाल जो हम सिखाने जा रहे हैं, सीख गए तो आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल इसके जैसा बन जाएगा। क्वेश्चन ये है कि छत के एक ही पॉइंट से धागा, दो धागा लटकाया गया है और दोनों धागा में बॉल टांगा हुआ है। कैप इसका कहाँ गिरा दिए भाई। ओके, दोनों धागा में बॉल है, देखिए दोनों धागे में बॉल है, यहाँ पे बॉल, ये भी बॉल, कौन है, सम्यक बाबू, क्लास ले ले हम थोड़ा, आज क्लास ले रहे बस 10 मिनट, जब घर से क्लास लगे तो भतीजा लो गेट पिट रहा है। खैर, ये रहा स्ट्रिंग, ये रहा इसके दो, देख रहे हैं आप बॉल्स, मान लो ये दोनों इक्वली चार्ज है, ये भी क्यू ये भी क्यू, जब दोनों सिमिलर चार्ज है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना, दोनों का लंबाई सेम है धागा का, और लेकिन दोनों बॉल आइडेंटिकल है, दोनों का मास भी सेम है, मास कितना ये नहीं पता है। अब रिपेल करेगा तो क्या जिंदगी में रिपेल थोड़ी करेगा, वेट की वजह से कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, ऐसे हवा में रुका हुआ है, अगर यहाँ चार्ज है तो धागा ऐसे चिपका हुआ रहता, लेकिन चूंकि चार्ज है तो रिपेल करके ऐसे हवा में रुका हुआ है, और जिस समय ये इक्विलिब्रियम यानी रुका हुआ उस समय बीच का एंगल है 2 थीटा। लिखवा है क्वेश्चन में शायद कि लास्ट लाइन, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 2 थीटा इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सवाल समझ में आ गया, तो सवाल पे देखिए बोर्ड पे डायग्राम ये है, ये एक सीलिंग जैसा बना दिए, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, चार्ज बॉल, दोनों में सेम चार्ज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यू और क्यू, ये बताया हुआ है कि दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है इक्विलिब्रियम में वो एंगल है 2 थीटा। अगर हम
सेंटर से एक लाइन खींचे इस तरह सीधा सीधा, तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा। इसमें तो कोई बहुत बड़ा हम रॉकेट साइंस नहीं बोले, तो हमारा डायग्राम है उधर लंबा चला गया उधर, लेकिन दोनों लेंथ बराबर है, इक्वल लेंथ, ठीक है। ये भी ढाई की लंबाई एल है, ये भी ढाई की लंबाई एल है, टू थीटा, तो इसलिए थीटा किया। अब ये बताओ दोनों मास, दो चार्ज है, तो दोनों चार्ज के ऊपर हम फोर्स लगा के दिखाएंगे, तो कोई एक पे दिखाते हैं दोनों पे, जैसे इसके ऊपर इसका वेट कितना लगेगा। आप एक करियर के लिए बात हो रहा है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखे, कहीं भागने जाने की कोशिश ना करें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। देखिए इसका वेट कितना लगेगा, mg वेट। इस धागे में टेंशन कितना लगेगा, t। हाइट लंबाई l है, टेंशन लगेगा t। ये बताइए ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये उसको उधर धक्का देगा, तो वो इसको इधर धक्का देगा, और ये धक्का देगा इलेक्ट्रिक फोर्स F इलेक्ट्रिक, ये तो पता है, ये चार्ज इसको धक्का देगा। अगर आपको इस पे कोई बोलेगा तो इसका भी वेट है, इसका भी टेंशन है, ये उसको उधर धक्का देगा, तो कोई एक बॉल पे चेक कर रहा है, दोनों पे जरूरी नहीं है चेक करने का। अब आप ये बताओ अगर यहाँ एकदम सीधा लाइन खींचते हैं, सीधा लाइन, तो ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, होगा ना। टी का दो कंपोनेंट टूटेगा, कौन कौन, इधर क्या टूटेगा जरा बताओ, टी ऑफ कॉस थीटा, थीटा के लो, और इधर क्या टूटेगा बताओ, टी ऑफ साइन थीटा। अब ये गेंद इक्विलिब्रियम में है, गेंद इक्विलिब्रियम मतलब कि रुका हुआ है हवा में, ना दाएं जा रहा है ना बाएं, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, यानी ये किस चीज में है, इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम। जरा आप सोचिए इक्विलिब्रियम के बीच, बताइए mg को कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा, यहाँ पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, चार, t cos थीटा mg, t sin का F इलेक्ट्रिक। कोई मत बोलना कि t भी तो है, देखिए जैसे हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर हमको आप आधा काट दीजिएगा दो हिस्सों में तो हम थोड़ी बचेंगे, अब दो हिस्सा मेरा दिखेगा, वही है, t को आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया तो अब ये t आपको नहीं दिखना चाहिए, टोटल अब चार फोर्स दिख रहे हैं। ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, ना तो ये इधर जा रहा ना इधर जा रहा है, दोनों इक्वल अपोजिट है, उसी तरह से ये वाला इसको बैलेंस कर रहा है। बताइए तो t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, T sin theta balance कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स को, F इलेक्ट्रिक। अगर बताइए तो T cos theta किसको, इक्वेशन वन, T cos theta किसको बैलेंस कर रहा है, T cos theta, T cos theta बैलेंस कर रहा है mg को, इक्वेशन नंबर टू। डिवाइड कीजिए, वन डिवाइड बाय टू T sin theta बाय, अच्छा ये आपको पता है इसके बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी r कितना है, तो आप बोलेगा अरे भैया इतना बताएं आप अपने भूल आ गए, आर निकालना, हम बोले नहीं बताओ, तो तुम बोलोगे भैया एक ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूस एल हो और ये थीटा हो, तो जो थीटा जिसके साथ लगा होता है वो होता है एल कॉस थीटा, अगर ये एल है तो, और ये होता है एल साइन थीटा, मतलब ये भी आपका एल साइन थीटा है भैया, और ये भी आपका एल साइन थीटा है, मतलब टोटल ये कितना हो जाएगा, टू एल साइन थीटा। दोनों चार्ज के बीच की दूरी को हम लोग आर इक्वल टू कितना समझते हैं, बताओ टू एल साइन थीटा, यही ना बोलिएगा कि एक ट्रायंगल में अगर ये एल है ये थीटा, तो ये एल कॉस थीटा, ये एल साइन थीटा, तो दोनों साइड टू एल साइन थीटा। खैर दोनों को डिवाइड करें, टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक ऊपर बाय एमजी नीचे। हाँ क्वेश्चन में मास नहीं पता, हमें मास निकालना है, एम अपने मन से माने हैं, क्वेश्चन में एम कहीं वैल्यू बोला है कितना होगा, एम इज इक्वल टू वन, क्यू दिया हुआ है, एल दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, और कुछ नहीं दिया हुआ है, सब अपने मन से बाकी चीजें। टी टी कट गया, साइन बाई कॉस कौन सा थीटा होता है, टैन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला, दो चार्ज के बीच फोर्स का फॉर्मूला, क्यू वन क्यू टू बाई में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और नीचे पहले से ही कौन मौजूद है आपका, एम जी। यहां से एम यहां चला गया, एम यहां गया, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, आर का वैल्यू कितना लिखेंगे, 2L sin theta का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, क्या वैल्यू इनटू में g, यानी कि therefore m is equal to q स्क्वायर। अरे एक चीज, यहां से tan theta डिवाइड हो जाएगा ना जी, m गया यहां इनटू होने, तो tan theta डिवाइड में भेज दिए, q स्क्वायर 1 by tan theta cot theta होता है, तो कई लोग ऊपर में लिख देते हैं cot theta, आप नीचे भी छोड़ सकते हैं tan theta, q स्क्वायर cot theta, यहाँ पे चार है, दो का स्क्वायर चार, तो चार इंटू चार 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर हो गया मास का वैल्यू। क्या आपको बहुत हार्ड लगा, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, 11th आप नहीं भी पढ़े तो भी आपको समझ में आना चाहिए। आपको जो भी कुछ इसमें से बोलना पूछना है प्लीज बोलिए, हम पहले फोटो भेज देते हैं, और आप एक बार दोबारा पूछना हो कुछ करना हो आप दोबारा बोल सकते हो।
रोशन राज ने पेमेंट कर दिया है। रोशन राज थैंक यू, आपका पेमेंट आ गया। क्लास करते करते आप पेमेंट कर रहे हैं, गुड। रोशन राज आप प्लीज सब्जेक्ट बता देंगे कि फिजिक्स मैथ दोनों है या फिर फिजिक्स से आपका है, ठीक है। शॉर्ट में रिपीट कर दे रहे हैं, हाँ मेघा फिर से बता रहे हैं, थैंक यू। कई लोग पेमेंट कर दे रहे हैं, ये हमको अच्छा लग रहा है कि आप मेरी मुसीबत को भी समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टेड मास्टर लोग ज्यादा हो गए हैं इस बार तो। और आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा अगर फील्ड में हो जिससे कि किसी प्रोफेशन में जो कि बहुत अफेक्टेड हुआ हो तो उनके लिए भी सिंपैथी मेरी ओर से है। हम अपना ही दुख नहीं रोएंगे, सब जगह पे बात है, फिर भी थैंक यू। हाँ पहले वो फोटो भेज दीजिए, फिर हम दोबारा रिपीट कर देंगे। ये सब बात रिकॉर्ड हो जाता है, पेमेंट वेमेंट वाला बताना चाहिए नहीं, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं पगला सर, तुम लोग ना अजीब कर देते हो। हम कैसे डालेंगे इसको यूट्यूब में? आपको एक बात बता दे, आप साल भर के लिए हमसे जुड़ गए हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके लिए हम अवेलेबल है, एकदम बिंदास पूछिए। अंत में आपको पांच पांच ग्रुप बना के अगर नहीं कुछ हुआ तो अलग से भी हम एग्जाम समय ऑफलाइन होने के बावजूद भी जूम क्लास या बना बना के देंगे, इतना अच्छा ऑप्शन हम लोग पास आ गया है। तो आप साल भर के लिए हम खरीद लिए, हम अपने गुलाम, इसलिए बेशरम होकर पूछा कीजिए प्लीज। दोबारा पूछे हैं जो लोग उनके लिए बता रहे हैं। ये धागा, दोनों धागा इस तरह से फैला हुआ है क्योंकि चार्ज है दोनों में ना, तो चार्ज है तो दोनों दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है। इसको ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा, तो ये भी इसको रिपेल करेगा। अगर इधर चेक करिएगा तो ये भी रिपेल हो रहा है, इधर भी एफ इलेक्ट्रिक है, इसका भी एमजी है, इसका भी टेंशन है, लेकिन हम पहले कोई एक साइड में ही देख ले रहे हैं कि ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का दिया, इसका वेट इधर लग रहा, धागे में टेंशन टी है। अब क्वेश्चन में दिया है कि पूरा एंगल 2θ है, तो आधा बात में तो θ होगा, ठीक है। ये लाइट जला है तो मेरा चेहरा अंधेरा वाला आपको दिख रहा होगा पूरा, लेकिन स्क्रीन तो साफ दिख रहा है। क्या मोहनती साहब अभी आप एडमिट हो रहे हैं, गायब हो गए थे, गाना सुनाया आपका फरमाइश का, गायब हो जाइएगा। टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इसको बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा इसको बैलेंस करेगा। देखो अब दोनों को डिवाइड किए, टी टी कट गया, साइन बाई कॉस टैन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाई 4πε0। ये वैक्यूम में है, यही सवाल बोलता कि यही चीज पानी में है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, यहाँ k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता। कितना टाइम्स होता? k टाइम्स 4πε0 r स्क्वायर mg। r का वैल्यू कितना है इन दोनों के बीच का दूरी एक ट्रायंगल में? एक ट्रायंगल में अगर ये वैल्यू l है और ये थीटा है तो ये होता है l cos थीटा। सॉरी थोड़ा मेरा टेबल बीच में आ गया, इसलिए मैं झुक के लिख रहे हैं। आप देखे होंगे फोटो, आपको हम भेज दिए, इसलिए भी फोटो भेजे कि आप मेरी स्थिति समझ सके कि मैं ऐसे क्यों होकर लिख रहे हैं, क्योंकि घर पे है अभी। और ये लेंथ आपको है एल साइन थीटा, है ना, जिधर थीटा होगा उधर, जैसे ये देखो ट्रायंगल एल, ये थीटा, ये एल कॉस थीटा, ये एल साइन थीटा, तो टोटल लेंथ हो गया 12 साइन थीटा। 12 साइन थीटा का स्क्वायर किए, 2 का स्क्वायर 4, 4, 4, 4, 16, है कि नहीं? इजी। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। ये मीटिंग भी एंड होने जा रहा है इसलिए आज आपको हम 10 मिनट का जो एक्स्ट्रा देते हैं। थैंक यू आर्यन, आप समझ गए। तो टेंशन एक्सप्लेन कर देना है, 11th क्लास का है प्रकृति। वो टेंशन प्रकृति, जब भी आप किसी भी धागे को देखो ये धागा है, जैसे जब आप पुल करते हो एक साइड तो धागा भी आपको अपोजिट साइड में खींचने की कोशिश करता है। धागे के अंदर एक फोर्स पैदा होता है, उस फोर्स को टेंशन कहते हैं। टेंशन हर धागे में होगा, यही तनाव है, टूट गया आपका, आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स अगर उसके फोर्स से ज्यादा हो जाएगा टेंशन से तो ये टूट जाएगा, यानी कि टेंशन का एक औकात, एक लिमिट है, उससे ज्यादा ये फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। रोशन आपने बताया नहीं कि आप फिजिक्स में दोनों के हैं, आपका पेमेंट ये किस सब्जेक्ट का है, क्योंकि मनी का भी हिस्सा हमको देना पड़ेगा ना, आप मेरे अकाउंट में डालेंगे तो उनको देना पड़ता है। संडे वाला क्लास 5 बजे से नहीं अंजना, उसको हम बताएंगे, वो कॉम्पिटिटिव बैच है, उसके लिए मेहनत थोड़ा हमको भी करना होगा, आपको लगता है आप ही को, हमको भी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, करना है। इस संडे से करेंगे ध्यान से। उसमें हम लोग कैसे करेंगे कि 11th भी चलेगा साथ में, 12th भी चलेगा, 11th का थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, सीधे न्यूमेरिकल आपको बस बोल देंगे कि ये टॉपिक करके रखो, ये रखो, ये रखो, ठीक है। तो स्लाइड जला लेना, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लास अपना नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि उसका क्लास संडे वाला हो सकता है हम रात को दे दे, 8 बजे 9 बजे रात को ही जाता, अब वो हम ऐसे लाइव नहीं देंगे, हो सकता है आईपैड पे ही बना के दिखाए जो आपको दिखे और अच्छे समझ में आए। तो कॉम्पिटेटिव सवाल रहेगा, मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, हमको भी, नहीं तो हम ऐसे बैचेस जल्दी नहीं बनाते हैं, हम एक ही साथ सबको करवाते हैं। लेकिन इस साल कई बच्चों का मैसेज आया, भैया इतना न्यूमेरिकल कहाँ करवा रहे हैं, अरे अभी शुरू भी नहीं हुआ है न्यूमेरिकल। तो आप में से जिनको न्यूमेरिकल से तकलीफ है, जलन है, उनको झेलना ही पड़ेगा। कॉम्पिटेटिव बैच में जाने का मतलब ही नहीं कि उसी में खाली न्यूमेरिकल करवाएंगे, न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा होगा, उसमें थोड़ा और 11th और 12th मिक्स करके ज्यादा सिखाएंगे जो तैयारी करने के मूड में है।
देखे जो जो उसमें हम सोचते थे 15-20 लोग ज्वाइन करेंगे ताकि उस पर हम ज्यादा फोकस करें, 50-55 लोग ज्वाइन कर लिया है। बताइए सभी को शौक है IIT में नहीं बोले हम, मेंस बोले मेडिकल बोले, पहले उसके लिए आप फोकस हो जाए, उसके बाद एडवांस के सवाल को छुएंगे, पहले नहीं। आंसर में डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट मीटिंग एंड हो रहा है, एल स्क्वायर जी साइन स्क्वायर थीटा। फोटो भेज देते हैं।